मवाना शुगर, मवाना शुगर कैसा दिखता है? मवाना शुगर, मवाना शुगर के साथ हम लोगों ने जो देखा था ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा सप्लाई इसमें आ चुका है। 180 रुपीज का स्टॉक आज के डेट में एक अच्छी खासी मंदी दिखा रहा है, और एक जहां से स्टॉक चलना चालू हुआ था वो लेवल पे जाके देखे तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मोर और लेस 61-70-80% का रिट्रेसमेंट देख लिया है। चालू हुआ था स्टॉक 70 रुपीज से चलने के लिए, वहां से 100 रुपीज का रैली देखा और वहां से 70% का डिक्रीज देखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम के बहुत नजदीक है। यहाँ पे 100 रुपए का जो बॉटम बना हुआ है अभी, और वीकली पैटर्न पे मैं देख रहा हूँ जैसे ही 108-109 के ऊपर में चलना स्टॉक चालू होगा तो 120 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, और जो मेजर रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो आपका मिड ऑफ द रेंज रहेगा 143। तो यहाँ से एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ मवाना शुगर बाय का इंडिकेशन डेफिनेटली है, जिसमें आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो आज के लो के नीचे तकरीबन तकरीबन 2 या 3% का लगाना पड़ेगा आपको। तो 96 रुपीज के स्टॉप लॉस पकड़ के चले तो भी चलेगा। यहाँ से 140 रुपीज तक का एक अपर साइड बन सकता है, लेकिन उसके साथ मैंने और एक कंडीशन यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ कि बाउंस बैक कंटिन्यू रहे, 1808 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेंड रहे। अभी ये स्टॉक चल रहा है 104.8। जी सर, क्या अगर मेरी 125 के आसपास की खरीद है तो क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करूं? देखो, एवरेजिंग के प्रिंसिपल्स जो है वो तेजी में एवरेज करने के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे काम करते हैं, मंदी में एवरेज करने के प्रिंसिपल्स काम करते हुए बहुत कम देखे हुए हैं, तो अवॉइड करके चले। लेकिन आपका 125 का जो रेट है वो आने के चांसेस बहुत हाईर है। ठीक है, मतलब बने रहे लेकिन नया नहीं ऐड करें, ये कह रहे हैं विशाल सर। विशाल सर, कोठारी शुगर कैसा दिखता है? मान लो आप तो पूरा मतलब डायबिटीज हुआ ऐसा लग रहा है। सर आज सुबह से ऐसा ही हाँ है, 5-6 स्टॉक्स तो सुबह पहले द्वारकेश से लेकर के और दामपुर और सारे डिस्कस कर चुका हूँ कोठारी ये। शुगर बहुत 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 अच्छे प्लेटफॉर्म पे है एट दिस मोमेंट। जो पैटर्न बने हुए हैं डेली के पैटर्न, वीकली के पैटर्न भी देख रहा हूँ और मोर और लेस मंथली के पैटर्न भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत अच्छे लेवल पे है ये। स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक का ही है, 33 रुपीज का ही स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ से 6% नीचे मतलब कोई कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। और जो फर्स्ट टारगेट दिख रहा है मुझे इसमें, जिस किसी को भी ये लेना है 6 मंथ 1 साल का हॉरिजॉन होगा तो बस ये 2 रुपए के स्टॉप लॉस से ले लीजिएगा, टारगेट हम लोग डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, अगर ऊपरी लेवल से अगेन इसमें भी खरीदारी 43 के आसपास की है तो एवरेज आउट किया जा सकता है इसमें, क्योंकि किया जा सकता है। ये इसमें है ना कहीं ना कहीं हायर हाई हायर लो के जो पैटर्न है वो नहीं है, लेकिन लोअर लो भी नहीं बन रहा है और एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है जिसके मेरे हिसाब से स्ट्रांग या ये लेवल से स्ट्रांग बाउंस बैक के पैटर्न ही इसमें बनते जा रहे हैं। लेकिन खाली एक अपर कोई टारगेट दिमाग में ना लेके चले, 33 के नीचे जाता है तो सेल ऑफ करके निकल जाए। ये भी बता दिया कि राइडर ये है कि अगर नीचे टूटता है तो निकल भी जाए, क्योंकि है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल्स के आसपास, थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो इसलिए किस तरीके का व्यू और किस तरीके का। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल ऐड कर लेता हूँ जो कि बिना नाम के है, यानी शेयर का नाम नहीं। आपका कोई फेवरेट शुगर सेक्टर का स्टॉक? हे भगवान, मवाना इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर टू इन्वेस्ट, बट एट दिस मोमेंट जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे उसमें ज्यादा कुछ आते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं बलरामपुर चीनी, एक्चुअली हेजिंग के लिए जगह होता है इसके लिए हम लोग बलरामपुर चीनी नॉर्मली देखते हैं, और इसमें एक हैमर बना हुआ है डाउन साइड में, तो वीकली बेसिस पे मैं जाता हूँ तो मैं इसके लिए वेट करूंगा। 420-430 के ऊपर का अगर रेट मिलता है तो इट इज गुड स्टॉक टू बाय विथ स्टॉप लॉस ऑफ 350। लेकिन मेरा टाइम हॉरिजॉन जो भी रहेगा वो 1 साल से बढ़ा रहेगा, क्योंकि
क्योंकि जो पावर सेक्टर में एट दिस मोमेंटम में हो रहा है या शुगर का जो इथेनॉल का यूज पावर के लिए जो हो रहा है, तो पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेटिव है। यहाँ से डीजल और पेट्रोल प्राइसेस नीचे कितने आएंगे वो पता नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भी आ जाता है तो हाउ मच आवर गवर्नमेंट इज अलाउड टू कमिट ऑन अ डाउन साइड, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। तो मल्टीपल क्वेश्चन के साथ एट दिस मोमेंट क्रूड के प्राइसेस या पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो इंडिया में चल रहे हैं वो देर आर मल्टीपल क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से अगर देखें हम लोग तो इथेनॉल इज अ बेस्ट ऑप्शन एट दिस मोमेंट फॉर नेक्स्ट वन और टू ईयर्स। तो इथेनॉल का या शुगर का दोनों का ही स्टोरी एट दिस मोमेंट स्ट्रांग है। ये तो मार्केट के हिसाब से जो भी 50-30 से लेके 70% करेक्शन हम लोगों ने देखे हुए, 30-50% करेक्शन शुगर स्टॉक्स में देखे हुए है, उसके हिसाब से स्टोरी रनिंग के हिसाब से एक अच्छा बाइंग लेवल डेफिनेटली बना हुआ है। दूसरा एक EID पेरी भी मैं देखता हूँ लेकिन फिलहाल चार्ट मैंने फॉलो किया नहीं है। EID पेरी इज अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन शुगर इंडस्ट्री। और मेरे हिसाब से अगर शुगर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में कोई स्टॉक रहेगा एट दिस मोमेंट, तो रैंकिंग के हिसाब से भी चाहूंगा तो EID पेरी इज अ बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट। स्टॉप लॉस थोड़े से इसमें भी बढ़िया थोड़े से ज्यादा रहेंगे, तो 470 के स्टॉप लॉस से आप EID पेरी ले सकते हो। अभी 540 चल रहा है। अगेन टारगेट में रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपका फेवरेट पैटर्न इसमें बना हुआ है। So this is one of the stock which is at the 52-week high, near to 52-week high. So यहाँ से अगर ये 580 के ऊपर जाता है तो अपना बस पिछले दो वीक का लो ऐसे स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा और बढ़ने दीजिएगा स्टॉक को जितना बढ़ता है। तो अगर मेरा फेवरेट स्टॉक जानना चाहते हो ये दौर में तो आई विल रैंक इट स्टार्टिंग विथ EID पेरी, सेकेंड विल बी योर बलरामपुर चीनी एंड थर्ड विल बी योर मवाना शुगर। लेकिन मवाना और इसमें वेट एंड वॉच है थोड़ा, लेकिन EID में EID पेरी में आप बाय करके कभी भी चल सकते हैं। ठीक है, ये राय है शुगर सेक्टर और शुगर सेक्टर में फेवरेट स्टॉक्स और क्यों किस तरीके से देखना है विशाल सर, तो ये